एक्सरसाइज करना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वी हैव टू फाइट दिस पॉल्यूशन. रनर्स के लिए मैंने कल भी मेरा नाम में बोला था कि वो उससे जब पूछा कैसा लगता है, मुझे एक लड़की जो दौड़ रही थी जो भी, उसने ये कहा कि मैम मुझे अच्छा बहुत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लीन लग रहा है और कफिंग ज़्यादा हो रही है, पॉल्यूशन है इसलिए कफिंग हो रही है. उससे रनर को हमेशा बेटर लगता है जब कफ से उसका बलगम निकलता है. रनर्स फील गुड कि उनका अंदर से सफाई हो रही है, करेक्ट. तो हमें चाहे हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, चाहे हम इसको फाइट आउट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने दौड़ना बंद कर दिया तो मेरा ये मानना है कि 10 days अगर आप ऑफ हो गए, ये लोग कह रहे हैं 15 days ऑफ हो जाओ, तो आपका जो फिटनेस लेवल है वो जीरो पे आ जाएगा. अर्ली मॉर्निंग शुरू करो, रात भर में थोड़ी तो बैठ जाती है, ओस भी है थोड़ी बैठ जाती है, और अपना वर्कआउट करो. शाम को देख लो, अगर बहुत ज़्यादा फॉगी लग रहा है तो क्योंकि डस्ट पार्टिकल ज़्यादा हो गए हैं तो शाम को अवॉइड करो, लेकिन सुबह के टाइम में रात भर उसे जो भी है, और जो साइंटिफिकली जो बोल रहे हैं वो सब करेक्ट बोल रहे हैं, उनको मैं नकार नहीं सकता. बट अगर दौड़ते समय तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है रनर्स का कि हम इसको फाइट आउट कर सकते हैं. हमने 30 years किया, आपने जब भी शुरू किया है आप इसको फाइट आउट कर सकते हो. एंड डोंट मिस योर फिटनेस वर्कआउट, ओके. सो टुडेज फिटनेस वर्कआउट विल बी 200 meter फास्ट एंड 100 meter जॉग. हम लोग उल्टा करेंगे क्योंकि कल मैं देख रही थी कि उस जॉगिंग ट्रैक पे जो 200 meter है उसके अभी कोई नहीं आ रहे हैं, जो डर गए हैं या देखो बच्चे बहुत ज़्यादा अनफिट बुजुर्ग और बीमार, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. इनको इंडोर रहना चाहिए, लेकिन जो फिट हैं वो आउटडोर रह के अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं. तो 200 मीटर हम पास करेंगे और 100 मीटर उस साइड से जहाँ से हम पास करते थे क्योंकि वहाँ पेड़ बहुत हैं और अभी थोड़ा सा अंधेरा होता है, वहाँ से चॉक डाउन करके आएंगे. तो ऐसा हमें 30 minutes करना है, 15 minutes के 2 sets लगाने हैं. दिस इज़ कॉल्ड इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट. और हम करते जिसको भी हार्ड सरफेस वहाँ कहीं कच्चा नहीं मिलता है या ग्रास नहीं मिलती है अपने एरिया में, उनके लिए ये एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है कि आपको यहाँ पे कच्चा और ग्रास मिलता है. तो जो जिन्होंने अभी फुल मैराथन लगाई है संडे को, वो ग्रास रनिंग करेंगे, उसके बगल में ग्रास है, तो यू विल गेट ग्रास एंड यू विल नॉट डू स्पीड वर्कआउट. जिन्होंने भी संडे को फुल मैराथन लगाई है, हाफ मैराथन वाले कर सकते हैं, फुल मैराथन वाले कोई स्पीड वर्कआउट नहीं करेंगे, दे विल डू ग्रास रनिंग और वहीं पर ग्रास है और कच्चा है. तो यू विल कीप जॉगिंग 30 मिनट्स का, आपका इजी वर्कआउट होगा ऑन द ग्रास एंड कच्चा. चलो तुम क्या आओगे भाई, बहुत बढ़िया. अरे नहीं मजे नहीं. हाँ नमिता अपने से फास्ट को पकड़ लो, टारगेट बना के चलो. Yes! चलो. जब पेन होना होता है तो मैडम का
ये आपस में आवाज नहीं करो, ये पैर कैसे उठे हुए हैं मैंने तो नहीं बोला। स्लीपिंग चाइल्ड, यस, होल्ड इट फॉर 1 मिनट एट लीस्ट। वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर फॉर योर बैक स्ट्रेंथ, योर लंग्स, योर नेक मसल। हाथ थोड़े से पीछे करिए, जो उमेश के पास आगे, हाथ थोड़ा पीछे करो, हाथ थोड़ा आगे। होल्ड करके रखो, होल्ड करके रखो, अनदर 20 सेकंड, अनदर 20 सेकंड, आसमान की तरफ।